हर दुनिया का बंदा उस पे दिल भी पकड़ा हुआ है, उस पे सैड भी हो रहा है। छोड़ो यार, गेम स्पोर्ट्स है यार, टीवी तोड़ो जाहिल के बच्चों, कोई इंसान हम लोग क्या हो, टीवी क्यों तोड़ो, क्या चीज है यार। देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्या नाम है, फुटबॉलर है भाई, खुद फुटबॉलर है, क्रिकेट को देखते हैं। एक और वजारत भी इनके पास, और आपको मजे की बात बताऊं, रंग का काम हो गया, गाड़ी के वायरिंग शार्ट प्लग शार्ट सब सारे काम कर रहे हैं। भाई है, दूसरी भाई है, भाई। अगर खान साहब ने ये घड़ी वहाँ चोरी की होती ना सऊदी अरब में, आज जब वो अदालत में पेश होते, एक आदमी हुआ था उस आदमी का, फिर तुम खान साहब को नहीं, नहीं खान उर्फ फलां हाजिर हो जाता। सलामुअलैकुम जी, मैं खालिद बड़ा, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट, हमारे एलियन ब्रॉडकास्ट पे। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाटएवर सब करें। और पिछले 800 सालों से उसमें सिर्फ 35 लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, खास आपको सुनने वाले खास लोग हैं, बहुत हाँ, क्योंकि आप मैंने नोट किया, मैंने नोट किया, आपको चाहिए कि आप ऐसी बातें किया करेंगे लोग सुना करें। अच्छा, जैसे कि मिसाल के तौर क्रिकेट के ऊपर बात किया, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट भाई चीज है, दुनिया का हर आदमी बात कर रहा है, मंसूर अली खान साहब भी उस पर बात कर रहे हैं यार, उस पर काशिफ अब्बासी, काशिफ भाई अब्बासी, काशिफ बासी भाई, और ये मंसूर और नीला और पीला, और जिसको नहीं पता मेरी तरह क्रिकेट वो भी बात कर रहा है, वो भी एक्सपर्टीज जान रहा है, मेरी तरह पता है वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। आपने तो क्रिकेट खेली हुई, आपने भी अंडर 19 लेकिन उसमें बात ये है जी कि उमर चीमा का मैं बड़ा व्लॉग सुना जबरदस्त किस्म का, ठीक है, उन्होंने ये बताया, देखिए उससे नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि ये जो आप बात करते हैं ना, आप ठीक कहते हैं कि इसको इतना बड़ा बनाया हुआ है, पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको दिया हुआ है आपने, जो है भी संभव। अब वो कह रहे हैं नई जनरेशन जो है ना, उसको आप जब कप शप जीत के नहीं देंगे, ऐसे मैच नहीं निकालेंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब लोग बेचारे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम क्रिकेट देखना छोड़, ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। अगर इस पर सीरियस बात करें तो जो डिस्प्ले ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो सबसे ज्यादा UFC में है। हाँ। तो अब दुनिया के जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन है वो UFC को फॉलो करते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे पास तो नहीं है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे UFC क्रिकेट के अंदर हो रही है ना, वो शाहिना अफरीदी की लड़ाई है बाबर आजम ग्रुप से। अच्छा, वो चीमा साहब का जो व्लॉग है वो ये कह रहे हैं, नजर आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है यार, ये कौन कर सकता है। चीमा साहब ये भी बताना शुरू होगा, हालांकि ये स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स का भाई ये अंदर की खबर तो देना उनका काम, वो तो इन्वेस्टिगेटिव अंदर की खबर होगी, लेकिन अच्छा हाँ सही जाहिर है किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। तो भाई वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो मेरे यार, जान बूझ के कोई ये चाह रहा है कि दूसरा रन रोक दे, नहीं मेरा ये मसला नहीं है कि जान बूझ के रुक रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट है अल्टीमेटली, लेकिन मुझे मुझे सिर्फ ये है कि इस वक्त दुनिया में कुर्रा अर्ज पे 7 अरब लोग है ना, 7 अरब के 7 अरब जो है ना इसी पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो बेचारा आजम खान जो है वो उसकी दिस इज बैड, हाँ दुनिया की हर चीज को सामने रख के उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, वो सही है, ठीक है ना, ये मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी वो ठीक है परफॉर्मेंस में जो भी कर ले। आपको पता है फिर कोई ऐसे लोग भी आ गए वो रेसिज्म के उस लेवल पे पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि भाई पठान नहीं होने चाहिए, नहीं वो ये उनका मुद्दा जो है वो मैं आपको बयान कर देता हूँ मुनासिब अल्फाज में, वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी नजरिया, कोई भी सियासत, कोई भी खेल जो KPK में गया वो बर्बाद हुआ, ये है मुद्दा उनका, दिस इज बैड, ये नहीं हो सकता यार। देखिए अब शायद वो नसीम शाह यार बेचारा यार, मुझे तो अफसोस हो रहा था, वो तो आपको इसलिए हो रहा था आपने उसके साथ ऐड भी किया हुआ, नहीं मेरे दोस्त भी हैं और बड़े प्यारा लड़के हैं और वाकई में वो जान मार रहा था, मैं कह रहा हूँ खेलने गया, चलो ये लोग देख ही रहे हैं, वो है ही इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं, हर दुनिया का बंदा उस पर दिल भी पकड़ा हुआ है, उस पर सैड भी हो रहा है, छोड़ो यार गेम स्पोर्ट्स है यार, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको आपने नॉर्मल लेने, ये टीवी तोड़ो जाहिल के बच्चों, इंसान हम लोग क्या, टीवी क्यों तोड़े, उसका क्या कसूर है, जहालत इंसान में भी है बस इतने। आज इंडिया जो है ना क्रिकेट छोड़ दे, पाकिस्तानी भी छोड़ देंगे, ये कलोनियल जो गेम है ना कि हमने गोरे को बताना है कि हम इस लेवल पे भाई क्या कर दिया हमने, उसका वजीर आजम भी बना दिया, आपको धोएंगे क्या, आप इसको इतना सीरियस कर दिया कि आप इसको क्रिटिसिज्म भी आप ना हो यार, छोड़ो यार सीरियस में हसन निसार उसमें सर में सीरियस सुन ना, हसन निसार कह रहा है कि यार तुम वो जो उसका तरीका है बदतमीज गाय, तो वो कह रहा है कि ये गोरों का गेम उसको सिखा रहा, मैंने कहा साफत भी गोरों ने याद किया, तो बिल्कुल ऐसे हसन निसार साहब जो है उन्होंने जिंदगी में बहुत चीजें की, लेकिन मतलब जो साइंटिफिकली चैलेंज चीजें नहीं होती, सीना बस सीना जो इल्म होता है वो बहुत, आई नो मैं नो एनीथिंग, उसको क्रिकेट भी पता है, उनको कुछ नहीं पता, पता है वो मतलब उसको भी पता, खलील रहमान रह गया था उसने भी कुछ कमेंट कर दिया, उसने तो ये बोला हुआ कि क्योंकि इमरान खान नहीं है, देखिए फिर सब लोग बोलेंगे वहीं से जोड़ूंगा मैं आपको, एक बड़ी एक बात सुन लीजिएगा, सिकंदर की बात बताने वाले नहीं, सिकंदर की बात, अच्छा मैं सिकंदर
ने खुद क्रिकेट निकली मेरी तरह नहीं, सिकंदर का मैंने ये कहा था आपको कि आप यूट्यूब पे निकाल के दिखा दो, नहीं निकाला आपने लेकिन वो है यूट्यूब पे है बॉलिंग है, फवाद भाई ने भेजी थी पीछे खड़ा फील्डिंग कर रहा है, नहीं बॉलिंग कराई है भाई, बॉलिंग कराई सिकंदर भाई ने, हल्की कराई होगी आज तक, अच्छा सिकंदर बख्त वरना इनके बारे में पहले ये आई थी कि लोग खड़े हुए थे ये भी घुस गए, उन्होंने कहा मैं खेलता था सन 1900 में, उस टाइम यूट्यूब ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं थी ना ली गई थी, लेकिन उसमें एक बात जो मैं नाम लिए बगैर एक उस मुल्क के बड़े प्लेयर हाजिर सर्विस क्योंकि आप ट्रेनिंग करके है ना हाजिर सर्विस, आप क्रिकेटर हो सिविलियन, अच्छा बताओ उसने ये जरूर बोला है कि अभी जो ये बातें कर रहे हैं ना, खैर मोहसिन नकवी की भी बात करते हैं, वो ये बात कर रहे हैं ना कि इन सबको निकाल दें जी, तो कह रहे हैं उस बंदे के बकौल जो हाजिर सर्विस प्लेयर है, बड़ा नाम, वन ऑफ द बिगेस्ट, ये सेट के भाई जो खान साहब का फिर बोलेंगे खान साहब को ले आते हैं बर्बाद पे, खान साहब के दौर में जो डिपार्टमेंटल वो खत्म की क्रिकेट, उसकी वजह से जो लोग आते थे उनकी यार नौकरियां लगी हुई थी, क्रिकेट खेलते थे, उनका काम देखें खान साहब की बहुत वो तो आपको बंदा नहीं मिलेगा यार, देखें खान PSL थैंक्स टू PSL कुछ मिल जाता है, वो भी देखें उसका विजन बहुत डिफरेंट था नजम सेठी साहब दे, ठीक है उनको बहुत सारी सेठी स्मार्ट गाय ठीक है से ज्यादा ही पता है, हालांकि सेठी भी अपने काम में सेठी साहब भी अपने काम में वही थे, बस ही इज बेटर हां उनकी पर्सनालिटी का एनालिसिस थोड़ी नहीं नहीं कर रहे हम, ये एक बात कर रहे हैं उन्होंने उस जगह पे, मेरी बात नहीं समझे लेकिन वो मैं कह रहा हूं वो भी सियासी चीजें देखते होंगे यू नो कि कहां से प्रेशर आ रहा है इसको डालना है इसको डालना, वो सेफ्टी साहब भी वही हैं लेकिन उनको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने ली ज्यादा अच्छी है, उनको नहीं आती थी ही एडमिटेड, अनलाइक मोहसिन नकवी जिसको ये लगता है कि वो सुपरमैन है, भाई एक फुल टाइम जॉब है करनी है करो ना जाओ यार, फिर तुम वहाब रियाज को भी ले अपनी दोस्ती की बुनियाद पर, मतलब ठीक है हमारे भी दोस्त है ठीक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दोस्त है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है ना अब इसको भी ना सुपरमैन बनाया हुआ है, वो तो पोप से मिल रहा था, किसी ने बोला यार उसके आप जगह नहीं ले लेना, अच्छा नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्या चीज है यार, देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्या नाम है फुटबॉलर से भाई है, फुटबॉलर से खुद फुटबॉलर है, क्रिकेट को देखते हैं एक और वजारत भी इनके पास और आपको मजे की बात बताऊँ रंग का काम हो गया गाड़ी के वायरिंग शार्ट प्लग शार्ट सब सारे काम कर रहे हैं और ये आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए, वो हसन भाई है, दूसरी भाई है, दूसरी हमारे एक हसन भाई है हर चीज के चैंपियन है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी डील कर रहे हैं, मतलब ये किस कॉन्फिडेंस है मैं देख लूंगा, पीसीबी है ना मैं देख लूंगा, अबे पीसीबी से क्या फायदे हैं वो तो चले ठीक है, अल्टीमेटली मोहसिन साहब ने थोड़ी खेलना था, जिन्होंने खेलना था उनको बोले ना खेलना था, लेकिन मोहसिन का फिर भी खैर गोरा बेचारा गोरा क्या वो पढ़ो अपनी औलाद निकलो, अच्छा एक मैच और हार गए ना ये पूरा आपको मैं बताऊं टेंडी लाश मिलेगी, ये खुदाई वो सोच रहा होगा कि ये कौन से लोग हैं नहीं जो अंदर ये कह रहे हैं कि जाके यूं खेलना जाने मुझे आना है, आप तो एक और बात ये कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है सीरियसली था कब, एक तो ये देख दूसरी सबसे अहम बात है कि आप जो है ना आप मैक्सिमम क्या आपने एक स्पोर्ट्समैन को आपने वजीर आजम भी बना दिया, अबे माफ कर दो यार क्रिकेट को जान छुड़ाओ इससे, मैं कह रहा हूँ एज सून एज पॉसिबल, वरना इसी खाते में वजीर आजम बना था वो भाई, क्रिकेट का सीन ये है और आप मान नहीं रहे उसको, नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रॉयल खेल था उसको वो भी नहीं खेला, नहीं वो आ गया इंडिया में गलती ये हुई उस खेल का, वो आ गया इंडिया में गंदी गलियों में, गंदी गलियों में और खुद वो लोग फुटबॉल के फ्रीक है, हमने पूरी जिंदगी उनको ये बताया हमने उनको हराया, चलो ठीक है अच्छा ये इस बुनियाद में हमने एक बंदा वजीर आजम बना दिया कि उसने यार सोचे मेरे अब्बू के बारे में आपके अब्बू क्या कहते हैं यार वो 30 कदम से भाग के आ रहे हैं एक विकेट होती है तो जंप मार के ना एक चीज फेंकते हैं बॉलर है बता दे आपके अब्बू भी कह रहे हैं यार वो जो है ना विकेट होती है जो है ना वो पीछे यूं करके ना ग्लव्स पकड़ के खड़े पूरा दिन खड़े अब्बू एक बंदा बॉल फेंकता है ना तो अब्बू बॉल पकड़ ले ये नहीं करो मतलब स्पोर्ट्स है ये नेगेटिविटी नहीं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है ठीक है इसको नॉर्मल रखो बिल्कुल ठीक है क्योंकि एंटरटेनमेंट है आजम बना दो यार फिर ये यार आपने शाहरुख खान कोई बुरी फिल्म बना दे तो क्या एहतजाज शुरू हो जाते हैं ये बात भी ठीक यार लेकिन सर यहां पे क्या बना यहां पे मुल्क इन्वॉल्व यहां दो मुल्कों की वो भी अरे ये स्टूपिड चीज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यार मतलब समझे मतलब ये यार व्हाट नॉनसेंस का सवाल है नहीं भाई इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी भी हैं ठीक है राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी भी हैं ठीक है उसको उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई पीटीवी पे यार वो बहुत ग्रेट आदमी है तो आप क्या उनकी अच्छी चीज को हम अच्छा नहीं बोलेंगे भाई वो अगर प्रोफेशनली खेल रहे वो अगर इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं वो किसी भी दूसरी चीज में अच्छे हैं तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई हर्ज है क्या ठीक है आप भी यार बार बार यही कर रहे हो यार ये नॉर्मल चीज है इसको जैसे मैं इसमें क्लासिफिकेशन का बड़ा फर्क है मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको सीरियस नहीं बता देखो फेज 8 के अंदर जो बंदा है ना वो नहीं ले रहा ना सीरियस आप टीवी तोड़ रहे हो यार क्रिकेट को बहुत सीरियस देखिए मैं ऐसे उसमें
सबको मैंने मोमेंट साकिब यार एक दफा तुमने कर दिया बहुत प्यारा बॉय, मुझे भी पिछले दिन मिला भी था। अच्छा मैं नहीं मिला तो मेरे पास ये मोमेंट भाई ये मेरे पास ऐसे है कि मैं आपसे अभी तक नहीं मिला तो मैं कह सकता हूँ बहुत प्यारा बॉय और बड़ा इज्जत देने वाला, लेकिन बार बार क्यों लेट रहे हो? मतलब अच्छा दोबारा लेट गए? दोबारा लेट गए, वो कह रहे हैं कि मुझे बस मैं पता नहीं, वो रो रहा है क्या कर रहा है। ये एंटरटेनमेंट है कि एक तो है मैच, उसके अलावा मोमिन साकिब लेट रहा है, दूसरा ये हो गया, तीसरा आप कोई और भी आया होगा यकीनन, उसने भी कोई बैट तोड़ा होगा, रो रहा है वो, उसने वही किया है कि जिससे उसने, लेकिन मुझे मुझे इम्पीडेंस से बोल रहा है। अच्छा मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने एक साहब को देखा, उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से मैं फ्लाई करके पहुँचा हूँ यहाँ पे और ये मैच हार गया, आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। नहीं तू नहीं देखेगा तो ये खेल ही नहीं चलेगा ना, तू नहीं देख रहा ना भाई, क्यों नहीं देख रहा भाई तू नहीं? ये यकीन कर मैं जॉन जॉन से बात कर रहा था वीडियो पे ना। अच्छा। मैं इतना खुश था कह रहा क्यों, मैंने कहा वो आपको जॉन कह रहा होगा न्यूयॉर्क में, मैंने कहा भाई वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान का, कहाँ है कह रहे न्यूयॉर्क में है? कह रहा नहीं इधर तो अब सब नॉर्मल है, कह रहे तुम लोग इतनी दूर रह गए मेरे घर के बराबर में हो रहा है। भाई जान ये मैं अब आपको बताऊँ कि जो न्यूयॉर्क जहाँ गेम हुआ है न्यूयॉर्क ना, अब उधर तो खेलते हैं भाई जान ये बास्केटबॉल और ये बेसबॉल और ये सारा कुछ होता है और सुपर बॉल और एक्स वाई जेड, वहाँ क्या हुआ सीन जब ये मैच खेल रहे ना, तो वहाँ का जो अंग्रेज था उसने क्या बात की है रश देख के और शोर, क्या यार कोई दिल का मरीज हो आप यहाँ खेल रहे हो यार, ठीक है चले, लेकिन हमारे लोग बेचारे उसमें इतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी में मेहनत मजदूरी। एक बंदा मुझे कह रहा है भाईजान अनवर भाई कहते हैं, नहीं ये मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वो है ना एयर स्पेस वहाँ से भी कोई गुजर नहीं सकता, मैंने क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा बादल दो आ रहे हैं कह रहे नहीं अच्छा बादल आ रहे हैं तो उस पर भी पिच पे मसला है, अबे क्या सोलर से चलते हैं ये प्लेयर नहीं नहीं मसला नहीं, उधर जहाज लहरा है उसमें फ्री इमरान खान हो रहे हैं, एक बंदा अच्छा। था वहाँ पे रिलीज इमरान ना, हाँ तो भाई आप जहाज लहरा रहे हो आप जाके रिलीज कर दो, किसी को भेजो जाके रिलीज हूँ खान साहब, जो कैद है जो कैद है वो इस टाइम रिलीज होना, तो आप भी सोच रहे हो जिस किस्म की बात चीजें पड़ी थी उनका जो सेल की तस्वीरें फिर खान अच्छा मुझे कह, मुझे कह भाई फिर लड़ाई हो गई है पता है आपको किस किस की, ये अपना वो कौन सा है वो जो पाकिस्तानी दो बॉयज रैपर बड़े मशहूर है, ओ नहीं करो यार उसके और इंडिया के रैपर की, अच्छा उनकी ये तो पुरानी राइवलरी चल रही है, नाक डिस्क किया एक दूसरे को, अच्छा उस पर लिखा तलंजुम कौन, ओके पूरा उसका जवाब दिए कौन और गंदी गंदी गालियों के साथ रैप, वेरी गुड तो सब कुछ तला मैं आपके साथ हूँ, तला मेरा भाई है मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, तला इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मिलाओ और आप सिर्फ बंदा दिखा दो दुबई में ला लो चलो। हाँ तो बात ये है इसका जिसको लब्बे लुबाब कहेंगे लुब्बे लुबाब आप खुदा की कसम जो आपके शौक है वो आप इधर भी डालो लब्बे लुबाब हसन भाई खान की रिलीज से अगर उन्होंने किसी ने स्मार्ट काम किया है भले उसको कोई इतना ज्यादा सोच नहीं, सब कह रहे हैं देखो वहाँ वो समय ना अमरीकन हुकूमत ने ले रहा है अबे वहाँ कोई पैसे दे के कोई भी अपनी मार्केटिंग कर सकता और वहाँ इतने ज्यादा पैसे भी नहीं 3500 में ये काम हुआ है। वैसे ये कि नेक्स्ट टाइम ये एक नई ट्रेंड चल गया कुछ और होगा, अभी यूरोप से पता है आपको इतने लोग निकाले हैं पाकिस्तान 40 पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर मजहबी नफरत अच्छा और सियासी नफरत और इस किस्म के चीज़ों के मर्तकब हो रहे थे वो एक तो यूरोपियन ने निकाले इलीगल, हाँ यूरोप के बहुत सारे मुल्क ग्रीस से निकले अच्छा स्पेन से निकले और हालांकि लगाने की चीज़ है इस नाम का मुल्क बनाया हुआ उन्होंने ग्रीस तो अच्छा तो वो दो चार लोगों से हमारे 40 लोग निकाले गए लेकिन ये बेचारे 40 लोग वो इलीगल भी रह रहे थे ट्विटर का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो गंदबाजी भी कर रहे थे ठीक है मजहबी नफरत भी फैला रहे थे ठीक है सियासी नफरत भी फैला रहे थे इस बुनियाद पे बकौल क्योंकि सियासी नफरत नहीं है वो एक तरह का रिलीजन बन चुका है मुझे कह लेने दीजिए कल्ट या कल्ट बन चुका है और वो सारे कल्ट के जितने भी वो है ना जितने भी वो है लवाजमात वो पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा यार वो अपना दुबई में और सऊदी अरब ने भी बड़ा बुरा मनाया है कह रहे हैं कि भाई हम जिस मुल्क मर्जी से बात करें तुम्हें इससे क्या अच्छा इन्होंने जाके ये करना शुरू कर दिया और उन्हें बड़ा सख्ती की है कि भाई आपके जो भी मसले इनको तो अबे दुबई के अंदर इन्होंने कोई वो जुलूस निकाल दिया छोटा सा इनको तो फौरन निकाल लें उसी वक्त जुलूस से उठा के ना सीधा एयरपोर्ट इनको सीधा सीधा वो भी बड़ी बात है कि उन्होंने बात की वरना इस पे कोड़े पक्के हैं कोड़े पक्के आज भी कट सकते हैं जी अगर खान साहब ने ये घड़ी वहाँ चोरी की होती ना सऊदी अरब में आज जब वो अदालत में पेश होते एक आदमी होता उस आदमी का फिर तुम खान साहब को नहीं खान उर्फ फलां हाजिर हो जाता नहीं नहीं वो फिर उसका हाथ वो देखिए उसके हाथ ना भी होते ना उसके हाथ अदालत में मौजूद होते वाह
क्या बात कर दी है। मैं बिल्कुल खातून अव्वल ने भी ये कहा है कि जो रियाज बैरिया साहब जो है उन्होंने किसी अच्छे इंटेंशन से पैसे दिए हैं। रियाज बैरिया ने अच्छे बिल्कुल नियत साफ होगी ये इसमें ये लोग अब उसमें बेचारे बर्नी साहब यार बर्नी साहब सारिम बर्नी साहब जो है नहीं वो आप देखिए ये बड़ा टेक्निकल सीन है इसमें अगर आप ये वैसे इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्योंकि उमर चीमा नहीं चाहिए इनको तुमको पता वैसे उमर चीमा साहब जो है धंधा हो रहा क्या है जैसे उमर चीमा साहब दुनिया की हर चीज के अंदर की खबर निकाल रहे हैं तो उन्होंने इसकी भी निकाली है वो देखिए बस उसमें कुछ थोड़ा टेक्निकल सीन भी है मुझे कच्चा पक्का याद है। नहीं पैसे नहीं है वो कुछ इस तरह भी नहीं है यार आप ये नहीं करो अब ये जब तक आपको पता ही नहीं है वैसे भी अब वो सोशल मीडिया पे आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकता वो होता है बिल पास हो गया। अच्छा पंजाब में हो गया आई डोंट नो वहां का नहीं पता नहीं तो पंजाब में होता पंजाब में हुआ है ना हम कर सकते हैं ठीक है दैट्स ऑल हमारा अगला पॉडकास्ट जरूर देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद अगला भी आज ही बात करेंगे ताकि आपको अगला भी मिले ऐसा हो कि आपको इंतजार करना पड़े तो बेल आइकन और ये जो बात की है इसने अब हमारे अपने अपने वो बढ़ाने हमने क्या होते हैं सब्सक्राइबर बना हम फिल्मों के रिव्यूज भी देंगे हम खाना भी बनाना सिखाएंगे भी हम दुनिया की हर चीज के अंदर की खबर जैसे हमारे चीमा भाई निकाल रहे हैं हम आपको अंदर की खबर चीमा दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच और हमारा अगला पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा।